हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आपके चैनल में राकेश बाइक रिपेयरिंग में। दोस्तों हमारी आज की वीडियो में हम जानकारी कोई रिपेयरिंग का काम नहीं करेंगे दोस्तों। आज की वीडियो में हम जानेंगे पार्ट्स के बारे में। दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि जर्मन पार्ट इतने महंगे नहीं होते हैं और जो लोकल पार्ट्स होते हैं वो काफ़ी महंगे हम लोग को दे दिए जाते हैं। और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो जर्मन बहुत सस्ती होती हैं और लोकल बहुत महंगी होती है, लेकिन दुकानदार हमें लोकल चीज़ पकड़ाता हमेशा और जर्मन चीज़ नहीं पकड़ाता क्योंकि उसमें कम बजट होती है। इसलिए आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि कौन सी चीज़ कितने की। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे तीन पैशन प्रो की तीन ऐसी चीज़ें जो हमें बहुत सस्ती मिल जाती हैं ओरिजिनल, लेकिन हमें दुकानदार लोकल पकड़ाता है और वो महंगी मिलती है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम अपनी वीडियो पे आ गए हैं और ये आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। ये आपके एक्सीलेटर केबल है और ये केबल 90 रुपये की मिलती है। और दोस्तों हमें लोकल केबलें जो होती हैं वो हमें कभी कदार मिल जाती है, 100 रुपये की दुकानदार पकड़ा देता है। उनके MRP रेट ज़्यादा बड़े होते हैं लेकिन वो इस रेट की नहीं होती है। तो दोस्तों मेरी राय यही है कि आप ओरिजिनल पार्ट्स लें और अच्छे पार्ट्स लें, ठीक है दोस्तों। अपनी बाइक में ओरिजिनल ही पार्ट डलाएं और ओरिजिनल पार्ट्स इतने महंगे नहीं होते जितने महंगे कस्टमर दुकानदार हमें पकड़ा देता है, ठीक है दोस्तों। तो मैं तीन पार्ट्स के बारे में आपको बताऊँगा। तो ये दोस्तों ये क्लच केबल, ये आपके एक्सीलेटर केबल है, ठीक है दोस्तों। इसके MRP रेट देख लीजिए, 90 रुपये। और दोस्तों मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एक और केबल मेरे पास रखी हुई है, ये देखिए दोस्तों ये केबल है मेरे पास और ये भी 90 रुपये की है। और ये फ्रंट ब्रेक केबल है, ठीक है दोस्तों, पैशन प्रो की है। ये पैशन प्रो की तीनों केबल मैं आपको दिखाऊंगा। और ये देखिए दोस्तों ये भी 90 रुपये की है, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको क्लच केबल दिखा देता हूँ, ये इस तरीके से पैकिंग में आती है। मैं इसकी केबल निकाल चुका हूँ, रैपर खाली आपको दिखा रहा हूँ, इसलिए आपको बार कोड MRP रेट सब कुछ दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है दोस्तों। ओरिजिनल आपको सस्ती पड़ती है और लोकल आप लेंगे तो ये आपको महंगी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए आप अपना नुकसान ना कीजिए और कृपया करके ओरिजिनली पार्ट दिलाइए। दोस्तों बहुत सी चीज़ें ऐसी सस्ती सस्ती होती हैं जो हमें महंगी दी जाती हैं क्योंकि वो कंपनी की नहीं होती, उसमें MRP रेट ज़्यादा बढ़ कर लिखता है। और उसमें सस्ती रेट जो ओरिजिनल होती है उसमें कम रेट होता है और रेट टू रेट मिलती है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपकी 90 रुपये की केबल है। और मैं आपको क्लच केबल दिखा दे रहा हूँ, ये आपकी फ्रंट ब्रेक केबल है, ये देखिए दोस्तों। अब मैं आपको दिखा दे रहा हूँ क्लच केबल। तो दोस्तों ये क्लच केबल है और ये इतनी बड़ी केबल है, क्लच केबल की बड़ी केबल होती है, लेकिन ये सिर्फ 85 रुपये की, ये देखिए दोस्तों ये 85 रुपये की है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको मैंने तीन पार्ट्स ओरिजिनल पार्ट्स तीन बताए हैं, क्लच केबल, एक्सीलेटर केबल और फ्रंट ब्रेक केबल। तो दोस्तों ये तीनों आपकी करीबन 300 रुपये के अंदर आ जाती हैं, लेकिन आप अगर लोकल डलाएंगे बाहर से डलाएंगे तो आपको ये महंगी पड़ेगी। तो दोस्तों आप किसी भी डीलर से लीजिएगा तो उसको उनसे आप कह दीजिएगा कि भाई साहब मुझे ओरिजिनली चीज़ चाहिए, ओरिजिनल आपको सस्ती मिल जाती है, ओरिजिनल बेहतर होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। और दोस्तों अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ओरिजिनल पार्ट्स की पहचान कैसे करें। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कृपया करके आप चीज़ ओरिजिनल डलाइए, ओरिजिनल आपको सस्ती पड़ेगी और ओरिजिनल अच्छी होती है, ठीक है दोस्तों। तो नमस्कार।